विदेश भेजने के नाम पर ठगी हो रही है, विदेश भेजने के नाम पे ऐसे कई सारे दलाल कहें या एजेंट कहें वो घूम रहे हैं जिला में, जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसा ले लेते हैं और पैसा वापस नहीं करते हैं, या पासपोर्ट उनका लेकर रख लेते हैं या वीजा रख लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी पीड़ित आदमी गोपालगंज जिला का जिसके साथ ऐसी कोई ठगी हो गई है, ऐसी कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो वो नजदीकी थाने पर जाकर अपना कंप्लेन दर्ज कराए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप लोग को मालूम होगा कि मैं अभी ओमान में जॉब करता हूं और मैं हर फ्रॉड एजेंट के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता हूं जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं विदेश भेजने के नाम पे दोस्तों। और बहुत से एजेंट मेरे पास फोन करते हैं, कॉल करते हैं और ऑफिस वाले भी करते हैं और बोलते हैं कि तूने ये जो वीडियो बनाया है मेरे खिलाफ ये वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर मनहारी का केस कर दूंगा। मैं बोलता हूं कि तुमको जो करना है करो, ये मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, जो तुम्हारी सच्चाई है यही मैं लोगों को बताया हूं। और आज सबसे खुशी की बात ये है दोस्तों कि मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, बिहार का गोपालगंज जिले का, वहां का एसपी साहब खुद बोले हैं कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है विदेश भेजने के नाम पे, कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला उनके साथ ठगी करता है, तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये वीडियो देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो अब मेरे साथ मेरे जिले का एसपी साहब या जो पुलिस वाले हैं वो मेरे साथ है, अब मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है और थोड़ा सा मेरे को हिम्मत भी मिल गया दोस्तों। ठीक है, ये आप उनका वीडियो देख लीजिए, गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं, ये एसपी साहब खुद बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ये आप उनका वीडियो देखिए। विदेश भेजने के नाम पर ठगी हो रही है, विदेश भेजने के नाम पे ऐसे कई सारे दलाल कहें या एजेंट कहें वो घूम रहे हैं जिला में, जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसा ले लेते हैं और पैसा वापस नहीं करते हैं, या पासपोर्ट उनका लेकर रख लेते हैं या वीजा रख लेते हैं। ये आप उनका वीडियो देख लीजिए दोस्तों, ये खुद बोल रहे हैं कि किसी भाई के साथ कोई एजेंट अगर विदेश भेजने के नाम पे ठगी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है वो भी इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा कि उसके ऊपर कैसे एफआईआर करना है, और आप बिहार में रहते हो तो कैसे उसके ऊपर एफआईआर करना है, और आप बिहार में नहीं रहते हो, किसी बाहर देश में रहते हो, मतलब दिल्ली में या बंबई में हो और अपने बिहार में नहीं हो, तो आपको ऑनलाइन कैसे उसके ऊपर एफआईआर करना है वो भी आप इस वीडियो में आपको पूरा मालूम चल जाएगा। आपको इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो एजेंट आपके साथ फ्रॉड किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे करना है। ठीक है, पहले ये आप एसपी साहब का एक और वीडियो देख लीजिए कैसे उसके ऊपर एफआईआर आपको कराना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी पीड़ित आदमी गोपालगंज जिला का जिसके साथ ऐसी कोई ठगी हो गई है, ऐसी कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो वो नजदीकी थाने पर जाकर अपना कंप्लेन दर्ज कराए। हमने सभी थाना दर्ज को निर्देशित किया है, और अगर थाना पर अगर नहीं आप एफआईआर दर्ज करा पा रहे हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हैं, किसी भी कार्य दिवस पर मैं बैठता हूँ 11 से 3 में, 11 से 3 कार्यालय में रहता हूँ मैं, और अगर आप मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आप गोपालगंज जिले के रहने वाले हो और आपके साथ कोई एजेंट फ्रॉड किया है तो आप गोपालगंज जिले में किसी भी थाने में जाके उस एजेंट के या उस ऑफिस वाले के ऊपर आप एफआईआर करवा सकते हो, आपको जल्द से जल्द सुनवाई होगा उस एजेंट के खिलाफ। अगर ऐसा ही पुलिस वाले अगर अपने इंडिया में 29 राज्य में हो ना, तो हम लोग के साथ कोई भी एजेंट या कोई भी ऑफिस वाला फ्रॉड नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, ऐसे पुलिस वालों को मैं सलाम करना चाहता हूं जो हम गरीबों को कम से कम इतना हिम्मत तो मिल रहा है कि अब हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, और आप अगर बिहार में नहीं हो, आप कहीं बाहर गए हो, दिल्ली बंबई गुजरात हो, और आप बिहार के रहने वाले हो और आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो आपको कैसे ऑनलाइन जाके एफआईआर करना है वो भी एसपी साहब इस वीडियो में बताए हैं। उनका ये वीडियो देख लीजिए पहले, आपको पूरा इसमें डिटेल में वो बताए हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहते हैं तो थाना पर जन सुनवाई का मैंने शेड्यूल जारी किया है, जन सुनवाई के लिए गोपालगंज पुलिस के फेसबुक पेज पर जाइएगा तो वहां पर एक शेड्यूल मिलेगा कि लोग थाने पर जाके भी मुझसे जुड़ सकते हैं
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या जो लोग जिला से बाहर रह रहे हैं उनके लिए गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराया गया था, उस गूगल फॉर्म पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उस गूगल फॉर्म के माध्यम से शनिवार के दिन। और शनिवार को अपनी बात हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा और आपकी समस्या को सुना जाएगा। ये वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आप बिहार का रहने वाले हो और आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप अभी गोपालगंज जिले में नहीं हो तो आप ऑनलाइन भी जाके उस एजेंट के खिलाफ FIR आप कर सकते हो। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग कहीं का भी हो, यूपी का, बिहार का, गुजरात का, किसी भी राज्य को हो, और आपके साथ कोई भी एजेंट या कोई भी ऑफिस वाला अगर फ्रॉड करता है ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने थाने में जाइए और उसके ऊपर आप लोग FIR करवाइए, जरूर करवाइए दोस्तों। क्योंकि ये एजेंट लोग क्या करते हैं, हमारे साथ फ्रॉड किए, आपके साथ फ्रॉड किए, और हम लोग ये सोचते हैं क्या इसके ऊपर हम लोग FIR करें, और ऐसे ही उन लोग का हिम्मत बढ़ जाता है और उन लोग का फ्रॉड रुकता नहीं है। और हम लोग FIR अगर करवाते जाएंगे ना तो आज नहीं तो कल उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी दोस्तों, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि मैं ऐसे ही हर फ्रॉड ऑफिस के खिलाफ मैं वीडियो बनाता जाऊं और लोगों को बताता जाऊं कि कौन सा ऑफिस वाला लोगों के साथ फ्रॉड करता है, कौन सा ऑफिस वाला अभी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो, और आपके साथ कोई ऑफिस वाला फ्रॉड किया है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो बना के भेज सकते हो दोस्तों कि मैं उस ऑफिस वाले के खिलाफ मैं वीडियो बनाऊं और लोगों को बताऊं कि ये ऑफिस वाला लोगों के साथ फ्रॉड करता है, आप लोग इसके ऑफिस पे ना जाइए, ठीक है।